भाजपा का नगरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम किया आयोजित। बांदा जनपद में आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा का किसान नगरीय सम्मेलन का किया गया आयोजन। इस आयोजन में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती देवी और भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला और भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह और भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल सहित मौजूद रहे पदाधिकारी। वही कार्यक्रम में चारों मंडल के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद थे। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू कस्बे से सामने आया है, जहां पर बबेरू कस्बे में आगामी नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत किया गया नगरीय किसान सम्मेलन का आयोजन, जिसमें भाजपा द्वारा यह आयोजन किया गया। नव भारत समाचार बांदा उत्तर प्रदेश से नंदराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। जिसको कमल का फूल मिल जाए, ईमानदारी से उसके साथ हमें सबको लग जाना चाहिए। 21 साल से पार्टी में उसे काम दिया, काम कर रहा हूं। उसी उत्साह के साथ कोई निरस्ता नहीं है। जब पार्टी को जो देना होगा, बहन जी मुझसे सीनियर है। संगठन में काम करते करते गाड़ी दौड़ाते हमारे सबके कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते। जब पार्टी को देना होगा, रामनाथ कोविंद जी प्रदेश के रहे थे, प्रदेश महामंत्री थे। मैं 2012 में जिलाध्यक्ष था, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा, हमने थोड़ी देर की बात है, जीपी का हम लोग सुनेंगे। हमारी बहनों की मातृशक्ति की संख्या ज्यादा है, तो मैं इस मंच से कहना चाहती हूं कि चाहे वो किसान के घर की बात हो, जब किसान खेत के तरफ जाता है, तो मातृशक्ति ही बीज को निकाल कर हमारे किसान भाई को खेत में बोने के लिए भेजती है। और तराजू और बाट लेके वही पहुंचती है। और मुझे याद है, जब हम ग्रामीण अंचलों में अपने बाबा दादी को देखते थे, कि वो अपने नौकर से कहती थी कि आज यहाँ इस खेत में बुआई होनी है, तो वो घड़ा को बीज को मिट्टी से देख करके रखा है, बस राखी मिला के फिर उसको छाना जाता था, फिर उसको तोड़ा जाता था, जिससे उसे कीड़े न लगे, इसलिए राखी के अंदर उसको रखा जाता था। तो ये काम भंडारण का काम, किसान अगर खेत में अपना काम करता है तो भंडारों का काम हमारी मातृशक्ति करती है। सफलता का माध्यम आप लोगों के बीच में मैं कहना चाहूंगी कि किसान एक तरह से भगवान का रूप होता है। अगर किसान ना हो तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, लोग भूखों मर जाएंगे। आज किसान नगरी सम्मेलन था, ये बबेरू विधानसभा के अंतर्गत कार्यक्रम को रखा गया था। और आज यहाँ पर हमारे विधानसभा की दृष्टि से सभी किसान भाइयों और बहनों का समागम था। और जिस तरह से केंद्र में और प्रदेश में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा जो किसानों को लाभ दिया गया है और जो उन लाभों को ले रहे हैं, आज इस निकाय के चुनाव की दृष्टि से इस सम्मेलन में उन्होंने अपनी बात की। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर महापालिकाओं पर यह नगरीय किसान सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी के तहत आज बबेरू नगर पंचायत में किसान मोर्चा के बैनर तले एक नगरीय किसान जो यहाँ नगरों पर निवास करते हैं, उनका यह सम्मेलन था। और इससे एक भाजपामय माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में और बांदा जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक पंचायत पर, एक एक नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिकाओं पर भी काम हमें इसी तरह के सम्मेलन हमारे चल रहे हैं। उसी के तहत आज ये बांदा जिले के बबेरू नगर पंचायत का सम्मेलन।